भी करनाल के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। दो तीन इशू हैं, मुद्दे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले, कुछ दिन पहले की आपको पता होगा घटना हुई थी कि रोहतक के अंदर ब्राह्मणों का गांव है परावर, उसने 16 एकड़ जमीन गोड ब्राह्मण संस्था को दी थी स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेकिन पहले सरकार दबाए रखी, अभी दबा रखी सरकार ने कर लिया उसके ऊपर कब्जा, और वो सरकार ने कब्जा करके अपना बोर्ड लगा दिया। कुछ दिन पहले उसके बोर्ड को हमने बुलडोजर से उखाड़ दिया था। अब सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को खट्टर साहब मीडिया के माध्यम से सुन भी ले, मुख्यमंत्री जी 4 तारीख को रोहतक में जा रहे हैं, 4 तारीख को या तो जमीन ब्राह्मणों की जमीन ब्राह्मणों को हैंडओवर करके आ जाना, दे आना, वरना उसके बाद ब्राह्मण समाज उस जमीन पर अपना कब्जा लेगा। 22 तारीख को उसी जमीन पर भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी, 36 बरादरी के लोग परशुराम जयंती मनाएंगे और एक फरसा और एक ईंट साथ लेके आएंगे वहां पे। एक भी इंच जमीन नहीं देंगे। अरे जमीन की तरफ ही सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन जमीन एक इंच नहीं देंगे हम। मुख्यमंत्री जी को ये 4 तारीख के लिए बता रहे हैं। साथियों, ये जमीन का मामला 13 साल पुराना है, 13 साल, 13 साल से ब्राह्मण समाज धक्के खाता। पिछली सरकार थी उसके सामने भी बोलता रहा, हाथ जोड़ता रहा, इस सरकार के सामने भी हाथ जोड़ता रहा, तो इस सरकार को हम बता दें अब हाथ जोड़ के भीख नहीं मांगेगा ब्राह्मण समाज। सरकार ने अगर जमीन नहीं दी तो सरकार के हाथ तोड़ के जमीन लेगा, हलक में हाथ दे के सरकार से ये जमीन वापिस लेगा। और उसी जमीन पर अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी जमीन पर भगवान परशुराम मंदिर बनेगा। जिस सरकार से, जिस सिस्टम से रोका जाए वो रोक के देख लेना। ब्राह्मण समाज को ये सरकार कमजोर समझ रही है तो ये समाज बता देगा, ये भगवान परशुराम को समझ ले, चाणक्य को समझ ले, मंगल पांडे को समझ ले, चंद्रशेखर आजाद को समझ ले, राम प्रसाद बिस्मिल को समझ ले, श्री राम शर्मा को समझ ले, सोमनाथ शर्मा को समझ ले, सुन ले सरकार। एक इंच जमीन नहीं देंगे, एक इंच भी। और ये मुख्यमंत्री जी 4 तारीख तक का टाइम है, उसके बाद टाइम नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक तो मैटर हो गया ये, दूसरा मैटर है ये कि 25 लाख बेरोजगार हैं। इतने दिन से मैं सरकार को कह रहा हूं, अग भाई 20 तो इन्होंने भर्तियां कैंसिल कर दी सीईटी के नाम से कि कॉमन एंट्रेंस होगा। 2 साल हो गए हैं को ये सीईटी करवाते करवाते कोरोना के नाम पे कोई सीईटी नहीं हो रहा है, कोई डेट डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। जब इनको चुनाव करवाना होता है तो उस टाइम पे तो सीटी की भाई नहीं हो पाएगा, अब जब इनको चुनाव करवाना होता है तो फिर कोरोना चला जाता है, इनकी मीटिंग होती है कोरोना चला जाता है, लेकिन जब एग्जाम करवाने की बात आती है तो फिर कोरोना आ जाता है एकदम। अभी 50,000 10,000 लड़कियां, 40,000 लड़के हरियाणा पुलिस का जो टेस्ट भी कर चुके हैं, एंट्रेंस भी कर चुके हैं, फिजिकल सब कुछ हो चुका है, रिजल्ट नहीं दे रहे। पहली बात तो टेस्ट नहीं लेते, टेस्ट लेते हैं आउट होता है, टेस्ट हो भी गया पूरा फिर उसका पूरा प्रोसेस नहीं करते, अगर पूरा प्रोसेस हो गया तो ज्वाइनिंग नहीं करवाते, और ज्वाइनिंग हो जाती है तो उसमें गड़बड़ भर्तियों में फिर वो कैंसिल हो जाती है, अभी कल रखों की होगी। तो हमें यह समझ में नहीं आया सरकार एक सर्कस है, क्या चल रहा है ये। तो इसके लिए जो हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार, मैं आपको बताऊं, पुलिस में
25,000 वैकेंसी खाली है, 5,00,000 वैकेंसी पूरे डिपार्टमेंट में खाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में हरियाणा सरकार के 25,000 वैकेंसी खाली है। 7,500 वैकेंसी की बात है, 7,500 वैकेंसी भाई साहब, वे बच्चे धक्के खा रहे हैं, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, लोगों की शादियां हो नहीं रही हैं, मुख्यमंत्री खुद रांडा, गृह मंत्री खुद रांडा, तो या तो ये सबको रांडा रखना चाह रहे हैं। इनका अध्यक्ष कहता था कि शादियां करवाऊंगा, बीजेपी की सरकार बनवा दो, बिहार से लेके आऊंगा, अरे हरियाणा में हो जाएंगे, तुम रोजगार तो दे दो, लेकिन रोजगार नहीं देंगे। तो इसको लेके 7 तारीख को 7 मई रोहतक मानसरोवर पार्क में इकट्ठे होंगे, और बीजेपी का मुख्य कार्यालय है वहां पे रोहतक में, राज्य कार्यालय, उसका घेराव करेंगे। ये तो है 7 तारीख का, ये हो गया भाई साहब। अब तीसरा मुद्दा, हरियाणा का शिक्षा मंत्री है, मैं इतने दिन से कहता फिर रहा हूं, ये दसवीं फेल है, लेकिन जवाब नहीं दे रहा है शिक्षा मंत्री। अब उन्होंने कल जो जवाब दिया है वो दिया रहे वीडियो, आप लोगों ने देखा भी होगा, हालांकि नहीं देखा तो नेता बनने के लिए डिग्री की जरूरत, हाँ नहीं, वो अब वो कह रहा है कि भाई मेरा दसवीं में कंपार्टमेंट आ गया था इंग्लिश में, तो मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, ये उन्होंने कहा है। ये एक मिनट आप सुन लेना, थोड़ा 2 मिनट की बात, कितना हो गया आवाज उसकी, मेरे पास क्वालिफिकेशन है, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ, मुझे कुछ भी बना दो, मैं जन प्रतिनिधि हूँ, संविधान ने मुझे वो जो मेरी काबिलियत चाहिए है वो मेरे को दे दी उसने। अब उसके बाद कोई मुझे क्या बनाता है, मेरी पार्टी मुझे क्या बनाती है, वो उसका उसके ऊपर डिपेंड है। मान लो मेरे मुख्यमंत्री को मुझे मेरे में योग्यता लगती है शिक्षा मंत्री बनाने की, तो मुझे शिक्षा मंत्री बनाएगा, और अगर उसको कोई और योग्यता लगती है तो मुझे। अब ये आपने सुनी क्या कह रहा है शिक्षा मंत्री, कि मेरा दसवीं में कंपार्टमेंट आ गया था, और मैंने फिर खेती शुरू करी, फिर बिजनेस शुरू करा, और उसके बाद मैं राजनीति में आ गया, तो मेरे को ये योग्यता। पहली बात तो ये है, अगर शिक्षा मंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है एक अनपढ़ आदमी, तो ये फिर सरपंचों के लिए किस लिए दसवीं बारहवीं कर रही है, जब संविधान इनको दे रहा है मुख्यमंत्री बनने की ताकत, शिक्षा मंत्री बनने की ताकत, तो किस लिए दे रहा है, ये फिर सरपंचों पे किस लिए एजुकेशन लाद रखी है। अरे तुम्हारे शिक्षा मंत्री फिर मेरे को कह रहा है नवीन जैन की योग्यता है मास्टर बनने की, मैं ये मानता हूं मास्टर से बड़ा कोई पद नहीं होता, मास्टर बन सकता, पढ़ा लिखा आदमी मास्टर बन सकता, अनपढ़ नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, ये इस देश का दुर्भाग्य है कि आपको सरपंच बनने के लिए तो योग्यता चाहिए, मास्टर बनने के लिए तो योग्यता चाहिए, मास्टर तो सबसे सम्मानित चीज होती है। और फिर ये क्या कह रहा है, अगर नवीन जैन को हमने लगा दिया मास्टर, पहली बात तो इसका मतलब गड़बड़ है, ये सेटिंग करके लगाते हैं या तो फिर, मैं तो अपनी योग्यता से लगाया हूं, ये कौन लगाने वाला, मैं पीएचडी पास हूं, पीएचडी की डिग्री कर रखी है, 3 MA कर रखी है, 3 मास्टर डिग्री है, मैं ये कह रहा हूं 50,000 वैकेंसी मास्टरों की खाली पड़ी है, उनको भर दे, मैं सारी डिग्री इसको दे दूंगा, डॉक्टर कवरपाल कहने लग जाएंगे शिक्षा मंत्री को, और इसकी दसवीं की जो डिग्री है नकली है फर्जी है जो भी है, कंपार्टमेंट बता रहा है। अब फिर इसमें मुख्यमंत्री खट्टर साहब भी सुन लो, मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहा है, वीडियो में देखो कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बन सकूं, ये खट्टर साहब तक पहुंचा देना, आप लोग करनाल के पत्रकार हो, करनाल से वो विधायक है, मुख्यमंत्री है, ये मुख्यमंत्री का भी सपना ले रहा है, फिर ये कह रहा है। फिर अब देखो सबसे बड़ी चीज बताऊंगा मैं आपने, ये डॉक्यूमेंट तो इसने खुद कहा है आके मेरा दसवीं में कंपार्टमेंट आ गया था, तो इसने अभी इसकी जो एफिडेविट है, ये एफिडेविट में ये निकल जाएगी, आप भी निकाल लेना आराम से निकल जाएगी इसके वहीं से, इस एफिडेविट में ये दिखा रखा है बीए सेकंड पास,
बीए सेकंड क्यों हो भाई, या तो बीए पास हो, बीए सेकंड सुने आप लोगों ने, बीए सेकंड पास हो और अपने मुंह से ये कह रहा है मेरा दसवीं में कंपार्टमेंट आ जाता तो मन ने, तो या तो भाई दिमाग चल गया शिक्षा मंत्री का, अगर डॉक्यूमेंट हमें कुछ दे रहा है और खुद जब पत्रकार पूछ रहा है तो ये बता रहा है कि भाई मैंने दसवीं में कंपार्टमेंट आ गया था अंग्रेजी में, मैंने छोड़ दी थी, मेरे को तो जनता ने जता दिया। ठीक है भाई, जनता ने जता दिया, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये क्यों बढ़ रखी है, ये बीए सेकंड क्यों कर रखी है इसमें जब दसवीं कंपार्टमेंट में है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस शिक्षा मंत्री की डॉक्यूमेंट ये ट्वीट पर डाले अभी, ताकि ये देखो मेरी डिग्री चाहिए हो आठवीं फेल हो चाहिए हो पीएचडी हो कुछ भी हो, ये सारे डॉक्यूमेंट इसको डालने चाहिए। और ये कह रहा है मुख्यमंत्री ने बनाया मेरे को, तो मुख्यमंत्री जी सरपंच बनने के लिए तो बारहवीं बीए ये लगेंगे, शिक्षा मंत्री आप एक अनपढ़ आदमी को बना रहे हो, मुख्यमंत्री को कह रहे हो तो सीधा, तो ये भी बड़ा सवाल है। हम ये कह रहे हैं या इसके ऊपर 420 का केस होना चाहिए, इसको रिजाइन देना चाहिए, ये अगर एफिडेविट में गड़बड़ है तो भाई साहब फिर तो तुरंत मामला, हमने आरटीआई लगानी पड़ेगी, एक महीना लगेगा। तो हम ये चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी अपनी जो भी डिग्री है डॉक्यूमेंट है वो फोटो उतार गए और ट्वीट कर, इसमें तो कोई मतलब वो नहीं है भाई साहब। मैंने तो नाम भी घोषित करा था, आज के जमाने में 1,00,000 रुपये थोड़ा हो गया भाई साहब, इतनी महंगाई बिजली पानी, बिजली तो आती नहीं, डीजल सब्जी सब कुछ महंगा हो रहा है, 1,00,000 रुपये में एक महीना तो चल लगा, मंत्री अभी बड़ा आदमी एक महीना तो घर चल सके था, तो वो भी नहीं दे रहा, तो 1,00,000 रुपये नाम के इस पे तो कितना ही दर्द हो, तो कती है फर्जी पाया इसकी, बारहवीं की दसवीं की सब कुछ फर्जी है भाई साहब, इसमें जो डॉक्यूमेंट है और जो इसने बयान दे रखा है उसके हिसाब से, तो सारी चीज क्लियर हो जाएगी। एक बार अपने ट्वीट कर दें शिक्षा मंत्री जी, ट्वीट कर दे के बता दे डिग्री क्यों बेइज्जती करवाने लग रहा है बेकार में, रोज सारे हरियाणा न्यू कह रहे हो दसवीं फेल है, बारहवीं फेल है, आठवीं फेल है, तो भाई साहब ये है मामला। एक इन ईमानदार आदमी एक अशोक खेमका के पीछे लग रहे हैं, एक ईमानदार आदमी इनसे झेला नहीं जा रहा, एक ईमानदार आदमी जिसके 56 तबादले हो चुके हैं, और एक अशोक खेमका को एफआईआर करवाने के लिए गृह मंत्री जाता है, तो गृह मंत्री एक आम आदमी के साथ कैसे चला जाए, कितने लोगों के साथ चला जाए गृह मंत्री। अरे जब एक आईएएस की एक ईमानदार ऑफिसर जिसका 56 बार तबादला हो रहा है उसकी एफआईआर नहीं होती, उसके लिए स्टंट के लिए या कैसे भी गृह मंत्री अनिल विज साहब जाते हैं, और ये तो भाई वो जो अफसर है जिसने करा करनाल मरेगा जा रहा है, सब बता दें कौन अच्छा है गुंडा है, बताने की जरूरत नहीं है, लोग बता दिया रहे हैं। तो अशोक खेमका जी के भी हम साथ हैं, हम बताऊं आप लोगों ने, लेकिन ये इससे स्थिति दिख रही है हरियाणा के अंदर कि गृह मंत्री को एफआईआर करवाने के लिए जाना पड़ रहा है, बताओ भाई इससे और क्या होगा। तो ये मामला था भाई साहब, कोई सवाल हो तो पूछ लो। मेरा ये सवाल है, जैसे आप सामाजिक चीजों को लेकर के चल रहे हैं, साथ में आपका फरसा भी है और गदा भी है, आप अहिंसा के प्रति चल रहे हैं या हिंसा के प्रति चल रहे हैं? ना ना ना, पापा चल रहे हैं भाई साहब अन्याय के खिलाफ, उसने आप कुछ को जित अन्याय होगा वहां मजबूती से खड़े हैं, और हम नहीं डरते कत्ती, यो फरसा है या सरकार देख ले, अच्छी राणा देख ले, यो मुख्यमंत्री देख ले, यो मुख्यमंत्री किसाना का तेनू कह लट्ठा लो, जब किसाना के ऊपर लट्ठाने की बात आवे है बावना तेनू कह यो गर्दन तार दूंगा, तो भाई साहब बावना ही गर्दन की तरफ हाथ उठेगा मुख्यमंत्री आते ये फरसे ते काट देंगे हम, तो सीधी बात और इस ताकत के कहूं भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ जमीन बामना के 1 इंच जमीन यो फरसा, जय हिंद, जब तक जिंदा रहेगा उस जमीन के ऊपर ये सरकार कुछ कर लियो। नवीन जी, जनता पूछती है क्या नवीन जय हिंद को न्याय प्रक्रिया पर विश्वास नहीं, हथियार हाथ में उठा लिए? पहली बात तो ये सोटा आया था तो खिलाड़ियों को आया था कि नहीं आया था, नहीं बताओ आया था, ये भी उठा रखे जमीन वापस आओगी, जब तक जिंदा रही बात न्याय पर लाने की, तो चीफ जस्टिस ने निकाल लेने करी है, मैंने तक अखबार में फिटी थी, अब कती सत्यानाश हो रहा है न्याय प्रणाली का, 4 करोड़ पेंडिंग है केस, अरे इतने केस पेंडिंग है 20-20 साल का, मेरा एक केस चल रहा था, एक केस में 10 साल में बरी होया हूँ। नवीन जी, जिस जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर इस होटल की बात की जाए, इसका खुद का मामला चल रहा है, मन में नहीं हो रहा है, हम तो अपनी बुकिंग करा, हमने के मतलब इस चीज से, अच्छी बात करो, मेरी बात सुनो, आज ये सरकार काम करो, सरकार कार्रवाई करो, अरे भाई साहब मैंने को जो भी कुछ गलत हो रहा है सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए, पर रुपया खा खा कर रहा क्या काम है,
अरे रुपये को जीम रहा हो, तहसीलदार पाया 100 करोड़ का, सारा डीटीपीओ पाया जी, इनका भी साथ देंगे जो होटल के मालिक हैं या जो इनका साथ देंगे भाई, जिसके साथ गलत होगा 36 और आदमी का साथ देंगे, कोई अकेले ब्राह्मणों की बात नहीं है, ठीक है ना, सबका साथ देंगे। ये दिव्यांग है, मेरी बात सुनो, 4% कोटा था डॉक्यूमेंट में है दिव्यांगों का, 1 महीने का धरने बैठे पूरे हरियाणा, मारा शर्म कर ले मुख्यमंत्री, दिव्यांग जिनके किसी का हाथ नहीं बेचारे किसी का पानी, तो दिव्यांग वे तो दिव्यांग है, सरकार विकलांग है, डॉक्यूमेंट में है 4% कोटा, इतनी वैकेंसी भाई साहब उनका खागे बेचारा का, मैं वही जाऊंगा, वो दिव्यांगों के पास ही जाऊंगा मैं, पूरे हरियाणा मेरे पास उनके इतने फोन आ रहे हैं, उनका बेचारा का हाथ चलता ना पांच चलता ना, किसे कुछ प्रॉब्लम किसे कुछ प्रॉब्लम, इतने ना धरने पर बैठा होगा, गे 2-4 दिन 5 दिन बैठ जाओ आदमी, सरकार तक आवाज चला जाओ ये मामला, अरे हक मांग रहे हो अपना, कोई वो ये नहीं कर रहे हमने कुछ अलग से दे दो, हक मांग रहे हैं उसके बावजूद भी हक नहीं देते, तो भाई साहब आप आवाज उठाओगे जिसके साथ अन्याय होगा उड़े जाओगे। सर सोशल मीडिया पे चर्चा की दिल्ली में केजरीवाल के फ्री बिजली देने की वजह से हरियाणा में बिजली की कमी है, या ये मतलब हरियाणा का दिल्ली अकेले ना देना, अच्छी बात करो भाई साहब। नवीन जी आपने बोला बीए सेकंड ईयर पास, बीजेपी ने कोई नई डिग्री चलाई है क्या सर? यह हमारे समझ में बीए सेकंड पास बन मना तो पढ़े हैं तो मेरी तो उसमें ये आया करता बीए पास बीए फाइनल बात खत्म, जो फर्जी है फर्जी। नवीन जी करनाल का डीटीबी पकड़ा जाता है, तहसीलदार पकड़ा जाता है, एससी पकड़ा जाता है, उसके बाद विजिलेंस पूरे मामले को दबा देती है, अब चलान की तैयारी कर रही है, क्या लगता है? अरे भाई साहब छोटी समर्थकों ने भी थाली पीटी छोटी, हमने हरियाणा में गोबर खा लो बेईमान ने तो ना भरता था पैसा का, हमने गोबर खवा खाए, ये छोटी मछली पकड़ रखी है, मगरमच्छ तो बैठे हैं अड़े धृतराष्ट्र बैठा संजय बैठा और की तो ये बताओ कोई आंदोलन चले पूरे प्रदेश भाई, ये देखो लोग जो है ना ये लोगों के ऊपर है, लोगों ने खड़ा होना पड़ेगा, हम तो लोगों को यही कहें किसी के उस पर नहीं भाई, लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, तुम्हारे घर तोड़े गए पैसे जिसने दे दिए वो बच गया, तो ये तो भाई साहब पूरे हरियाणा में ही करनाल में जब इतने 100 करोड़ का मामला है, तो नवीन जी जिस व्यक्ति की आवाज में घर जो खड़ा होगा उसको फरसा लेने की जरूरत, फरसा तो जरूरी है गुरु जी, अरे यो इसलिए फरसा है, यो बहुत जरूरी है, न्याय दवाओ न्याय दवाओगा न्याय, ये सरकार तो दिखाओ न्याय दवाओगा फरसा। पटियाला कांड हो गया, पटियाला कांड अभी परसों 2 दिन पहले की बात है, हिंदू सिख संघर्ष और बीच में पन्नू का नाम आ रहा है, आतंकवादी जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको देश में शांति फैलाएंगे या अशांति फैलाएंगे, क्या ये सरकारों के ऊपर भाई साहब, सरकार है, लोगों ने समझना पड़ेगा और सरकारों को सख्त होना चाहिए, कोई किसी भी धर्म का किसी जात बरादरी का हो, अगर कोई धार्मिक जातिवादी झगड़ा करता है, हर धर्म को हर जाति को अपना आगे बढ़ने का हक है और बढ़ना चाहिए, लेकिन किसी दूसरी जाति को दूसरे धर्म को गाली दे के आगे बढ़ने का मतलब है कि वो किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। ना ना मेरा कोई विरोध नहीं है अपने, अब मैं क्या करूं भाई साहब, विपक्ष तो मुर्दा है, अब यो काम तो विपक्ष का, मैं तो कुछ भी गोनिया ये मुद्दे उठाना काम तो विपक्ष का है भाई साहब, हमारी जितना क्यों थे हम अपना उठा रहे हैं, हमारी जितनी आपको लगता है पंजाब की कानून व्यवस्था जो है भगवंत मान संभाल पाएगा, वो वहां से पूछो भाई साहब, आपको लगता है आपको लगता है आप वो बताओगे। बिजली समस्या में कुछ कहना चाहेंगे, जो बिजली समस्या चल रही है, बिजली समस्या इसलिए मेरे ख्याल में सरकार ने सोचा है, लोगों ने चांद तारे देखने बंद कर दिए हैं तो लोग बाहर आए और थोड़ा शाम ने चांद तारे देखने, मेरे ख्याल में सरकार की आपके आपके घर तो 24 घंटे बिजली अच्छी होगी, मैं तो बाहर सोया हूँ भाई साहब, मेरे के फर्क पड़े है, मैं तो बाहर सोया हूँ, लेकिन ये सरकार जब आज के दिन इस देश में इतना एडवांस हो गया, पूरे देश में क्राइसिस है बिजली का, बिजली तक पूरी नहीं मिल पा रही है, तो आप सोच सकते हो सर कहीं ना कहीं निजीकरण की ओर इशारा है, सत्ते वाले ने आरोप लगाया कि निजीकरण कर सकती है बिजली का, अडानी 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 से समझौता किया बिजली परचेज करने का, लेकिन उल्टा दे रहे हैं उनको उसको, मेरे हिसाब में बिजली का प्लांट इन्होंने लगाया है कि नहीं लगाया, मैंने नहीं लगता कोई लगाया होगा। नवीन जी आप क्या आम आदमी पार्टी में वापसी की तैयारी आपकी? भाई साहब मैं तो आम आदमी हूँ एक बात, और जनता मुद्दे मेरे पार्टी का बैनर बाहर लगाया, बाहर जो बैनर लगाया नवीन नवीन आम आदमी पार्टी का, नवीन जैन मैं बता रहा हूँ किसने केला रखा मैंने नहीं बेरा, नवीन जैन है और नवीन जैन जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों को उठा रहा है जितना उसकी ब्योत है, जितनी मेरी कैपेसिटी है। सर आपने गहराव की बात पार्टी का नहीं है, जनता का है, जनता का। सर आपने गहराव की बात करी, हरियाणा प्रदेश में कहां कहां गहराव करेंगे आप? भाई पहला दिन का राज्य कार्यालय है, उसके बाद देखो फिर आप बड्डा करेंगे कुछ न कुछ अच्छा।